अभी अभी 15 मिनट पहले जब मैं चला अपने कमरे से तो एक भक्त जाकर कहता है हमको महापुरुष बना दो। अब वो फुल मैड है कि हाफ मैड है ये पता नहीं, क्या उसके मस्तिष्क का हाल है, वो कहता है हमको महापुरुष बना दो। हमने कहा क्या मतलब, ऐसा प्रश्न हमसे आज तक किसी ने किया नहीं। तो कहता है भगवत प्राप्ति करा दो। तो हमने कहा क्यों जी, अगर कोई भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखता, भगवान स्वयं रखते, तो ये संसार ही क्यों रहता। अरे श्री कृष्ण एक संकल्प कर लेते, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीव गोलोक चले जाए बस। लेकिन न भगवान कर सके ये काम, न कोई महापुरुष कर सका। सबने साधना बताई, भगवान ने वेदों में बताया, गीता में बताया, काहे को बताया अर्जुन को। अगर भगवान के हाथ में होता, गुरु के हाथ में होता, तो उसका क्या बिगड़ता है। एक वाक्य का संकल्प ही तो करना है। तो ये बात कभी मत मस्तिष्क में लाइए कि भगवान श्री कृष्ण तुम कृपा नहीं करते, गुरु जी तुम कृपा नहीं करते। अरे महापुरुषो भगवान कृपा के सिवा कर क्या सकते हैं, उनके विचारों की और कोई सामर्थ्य ही नहीं है, वो कृपा ही करते हैं। लेकिन जैसा पात्र हो वैसा लाभ मिलता है। पानी बरसा, समुद्र की सीप में गिरा स्वाति नक्षत्र में, साक्षात मोती बन गया। वही पानी कमल के पत्ते पर गिरा तो लुढ़क रहा है, उसमें आसक्त नहीं हो रहा है। वही पानी तपे हुए लोहे पर पड़ा, छन्न हो गया, जल गया। पानी का दोष नहीं है जी, पानी तो सब में एक सा पड़ा था, लेकिन जैसा जैसा पात्र था वैसा वैसा फल मिला। हमें पात्र ठीक करना होगा, ये हमारा काम होगा। महापुरुष हेल्प करेगा, सब सही है, लेकिन वो साफ करके दे देगा। ये फुल मैट की फिलॉसफी।